दाल इंडियन किचन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और हर किसी का दाल बनाने का अपना अपना तरीका होता है। आज जिस तरीके से हम दाल बनाने वाले हैं वो तरीका शायद ही आपने अपनी किचन में कभी अपनाया हो। तो चलिए बनाते हैं एक नई किस्म की बहुत ही मज़ेदार सी दाल जिसे कहते हैं चना दाल फ्राई। और ये दाल आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट ऑफ पैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने यहाँ पे एक कप चने की दाल को अच्छे से धो के करीब 3 घंटे के लिए भिगो लिया है। अब इस भीगी हुई दाल को हम बॉईल कर लेते हैं नमक, हल्दी और ज़रा सा बेकिंग सोडा डाल के। बॉईल करते टाइम दाल पे कुछ इस तरीके का झाग आएगा, आप इसे हटा लीजिए और इसे करीब 20 से 25 मिनट तक बॉईल कर लीजिए ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। दाल को बॉईल करने के बाद हमने उसका पानी ड्रेन आउट कर लिया है और देखिए ये कैसे गल चुकी है। अब इस बॉयल चने की दाल को चना दाल फ्राई बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालते हैं करीब 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब इस गरम तेल में डालते हैं कुछ साबुत गरम मसाले, 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 5 से 6 दाने काली मिर्ची के और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। अब हम इसमें डालते हैं फाइनली चॉप्ड जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। इसमें है 8 से 10 कलियां लहसुन की, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्ची। जिंजर गार्लिक को सौते करने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। टमाटर को भूनते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब बारी है कुछ सूखे मसाले डालने की, तो शुरुआत करते हैं नमक से। एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 से 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। मसाले डालने के बाद में इसमें डाली हल्का सा पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मसालों को पकते पकते करीब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें डालते हैं बॉइल्ड चने की दाल। चना दाल फ्राई एक सेमी ड्राई किस्म की डिश होती है, तो आप इस दाल को डालने के बाद करीब 7 से 8 मिनट तक मीडियम हीट पे इसे पकाइए और ज़रूरत पड़े तो बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहिए। तो चलिए मिलते हैं 7 से 8 मिनट बाद जब तक दाल अच्छे से पक चुकी होगी। देखिए दाल अच्छे से कुक हो चुकी है, अब डालते हैं इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स। शुरुआत करते हैं 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ जीरे से, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके दाल को करीब 1 से 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। चना दाल फ्राई का बेस बनके तैयार है, तो अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सर्व करने के लिए तैयार है, इसको सर्व करने के लिए एक अलग से प्रोसीजर है। तो शुरुआत करते हैं 2 टेबलस्पून घी को गरम करने से। अब इस गरम तेल में हम डालते हैं ज़रा सा जीरा, 1 से 2 हरी मिर्ची
और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। लीजिए, हमारा बेसिक सा दाल का तड़का बनके तैयार है। इसे डालेंगे हम अपनी चना दाल फ्राई के ऊपर। और अब करते हैं हम दाल को गार्निश। सबसे पहले हम डालते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू के रस के बाद में हम इसमें डालेंगे फ्राइड प्याज या बरिस्ता फॉर दैट नाइस क्रंच। और अब हम डालते हैं इसमें हमारा दाल का तड़का। डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्ची। और जरा सा हरा धनिया। और हमारी चना दाल फ्राई बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की नई सी चना दाल फ्राई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे दी गई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।